हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आज मैं आपको बताने वाला हूँ किस तरीके से आप काइनमास्टर के अंदर एक बेस्ट क्वालिटी में अपनी वीडियोस को एक्सपोर्ट कर सकते हो। बिल्कुल दोस्तों, फुल एचडी क्वालिटी में किस तरीके से आप अपनी वीडियोस को एक्सपोर्ट कर सकते हो काइनमास्टर एप्लीकेशन के अंदर। नॉर्मली क्या होता है दोस्तों, अगर कोई भी इंसान काइनमास्टर के अंदर वीडियोस को एक्सपोर्ट करता है और एक्सपोर्ट करने के बाद जब वो मैक्स प्लेयर के अंदर या फिर किसी भी प्लेयर के अंदर जाके वीडियोस को प्ले करता है तो उसका जो क्वालिटी वो ख़राब हो जाता है। तो इसका सोल्यूशन मैं आपको बताऊंगा। प्लस मैं दोस्तों इस वीडियो पर आपको ये भी बताऊंगा कि किस तरीके से एग्जैक्टली आपको वीडियोस को एक्सपोर्ट करना चाहिए जब आप काइनमास्टर के अंदर वीडियोस को एडिट करते हो। एडिट करने के बाद जब आप वीडियोस को एक्सपोर्ट करते हो तो आपको किस तरीके से वीडियोस को एक्सपोर्ट करना चाहिए और किन किन चीज़ों की ध्यान रखना चाहिए, तो सब कुछ इस वीडियो पर बताऊँगा। वीडियोज़ को ज़रूर से लास्ट तक देखना। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो। ऑलराइट, तो सबसे पहले आपको काइनमास्टर को ओपन करने के बाद सिंपली प्लस वाले आइकन के ऊपर टैप करना है एंड यहां से आपको सिंपली रेशियो को चूज कर लेना है 16:9, या फिर आप दोस्तों जो भी रेशियो चूज करना चाहते हो तो आप अपना रेशियो को चूज कर लीजिएगा। तो मैं अपना रेशियो चूज कर रही हूँ 16:9। ओके, अब यहाँ से क्या करना है, सिंपली आपको अपने वीडियोज को इम्पुट कर लेना है सबसे पहले काइनमास्टर के अंदर। तो यहाँ से नॉर्मली मैं एक वीडियोस को इंपोर्ट कर लेता हूँ, तो मैं देख लेता हूँ कि अपना वीडियो कहाँ पर है। ओके, तो यहाँ से मैं एक वीडियोस को इंपोर्ट कर रही हूँ जैसे कि आप लोग देख सकते हो। तो ये हमारा जो एक छोटा सा वीडियो है जैसे कि देख सकते हो काइनमास्टर की टाइमलाइन पर ऐड हो चुका है। अब हमें ऊपर में कर देना है डन। अब डन करने के बाद दोस्तों इस पर आप जो भी एडिट करना चाहते हो तो कर सकते हो। यहाँ पर आप कुछ भी यहाँ पर लेयर वगैरह ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं नॉर्मली कुछ चीज़ें को इस्तेमाल कर लेता हूँ यहाँ पर आप लोग को दिखाने के लिए। तो यहाँ पर मैंने इस फुटेज का इस्तेमाल किया, तो इसको मैंने कर देता हूँ फुल स्क्रीन इस तरीके से। उसके बाद मैं अगेन लेयर पर जाया और मीडिया पर गया। उसके बाद यहाँ से मैं कोई दूसरा वीडियोस को इंपोर्ट कर लेता हूँ जैसे कि देख सकते हो। ओके, आप जैसे कि देख सकते हो यहाँ पर हमारे जो वीडियो है दोस्तों, मान लो इस वीडियो को हमने एडिट कर लिया, ठीक है। अब हमें इस वीडियो को एक्सपोर्ट करना है। जब आप वीडियोस को एक्सपोर्ट करते हो तो आपका जो क्वालिटी वो बिल्कुल लोज हो जाता है, आपका जो वीडियो उसके अंदर जो क्वालिटी वो ख़राब हो जाता है, उतना अच्छा क्वालिटी नहीं आ पाता है। ओके, अब दोस्तों आपको क्या करना है वीडियो एक्सपोर्ट करने के लिए, आपको तो पता ही होगा ये एरो के आइकन के ऊपर क्लिक करना है एंड यहाँ से आप लोग क्या करते हो सिंपली इसके ऊपर क्लिक करके एक्सपोर्ट कर लेते हो। या फिर दोस्तों मैं आपका गलती बताता हूँ। सबसे पहला गलती दोस्तों, ये जो आपको लाइन दिखाई दे रहा है, इस लाइन दोस्तों आपके यहाँ पर डिक्रीज रहता है। लेकिन दोस्तों अगर आपको बेस्ट क्वालिटी चाहिए तो फिर आपको ये जो लाइन दिखाई दे रहा है इसको हमेशा आपको क्या करना है, पूरा 100% नहीं रखना है। एक वीडियो का क्वालिटी दोस्तों तभी अच्छा होता है जब वीडियोस के जो बिटरेट होता है, बिटरेट जब दोस्तों हाई होता है तो वीडियो का क्वालिटी अपने आप ही बढ़ जाता है। तो ये चीज़ दोस्तों आपको सबसे पहले ध्यान रखना है कि आपकी वीडियो का जो बिटरेट हो जितना ज़्यादा हाई होगा आपका वीडियो क्वालिटी उतना ज़्यादा दोस्तों अच्छा होगा, उतना ज़्यादा आपको बेस्ट क्वालिटी मिलेगा। तो हमेशा दोस्तों बिटरेट को आपको लो नहीं रखना है, बिटरेट को बिल्कुल हाई रखना है। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, आपने एक चीज़ दोस्तों काइनमास्टर के अंदर नोटिस किया होगा, जब भी आप कोई भी वीडियोस को एक्सपोर्ट करते हो तो एक्सपोर्ट करते वक्त दोस्तों कभी कभी बहुत ही जल्दी आपका जो वीडियो एक्सपोर्ट हो जाता है और कभी कभी आपका जो वीडियो वो बहुत ही स्लोली आपका जो वीडियो वो एक्सपोर्ट होता है। अब इसका दोस्तों एक रीज़न हो सकता है, कभी कभी आप अपने वीडियो को 1080 में वीडियोस को एक्सपोर्ट करते हो और उसका जो FPS उसे 30 FPS रखते हो। अगर आप अपनी वीडियो की FPS को यहाँ पर 25 या फिर 30 के बीच में या फिर दोस्तों यहाँ पर 15-12 के बीच में रखते हो और यहाँ पर आप QHD 144p में रखते हो तो दोस्तों आपका जो वीडियो बहुत ही जल्दी एक्सपोर्ट हो जाएगा। अगर आप दोस्तों इसे 30 के नीचे की FPS में रखोगे तो और आपका जो दोस्तों वीडियो का जो साइज वो काफ़ी बड़ा होगा। अगर आप दोस्तों 30 FPS के नीचे में अपनी वीडियोस को एक्सपोर्ट करते हो, लाइक दोस्तों आपने 1080p रखा, उसके बाद दोस्तों FPS आपने रखा 30, तो आपके जो वीडियो है दोस्तों उसका जो साइज है वो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, ठीक है। लेकिन वही जगह पर अगर आप दोस्तों QHD को रखा हो, QHD पर वीडियोज़ को एक्सपोर्ट कर रही हो और उसका जो FPS आप उसे 40 FPS रख रही हो या फिर 50 या फिर 60, तो दोस्तों आपकी वीडियो का जो साइज़ है वो बहुत ही कम हो जाएगा और दोस्तों आपकी जो वीडियो क्वालिटी है वो बिल्कुल रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। तो जब भी आप काइनमास्टर के अंदर वीडियोस को एक्सपोर्ट करोगे तो ध्यान रखिएगा वीडियो का दोस्तों जो रेजोल्यूशन है वो FHD 1080 होना चाहिए और इसका जो फ्रेम रेट है इसे हमेशा 30 FPS पर रखिएगा। और उसके बाद जो बिटरेट आपको दिखाई दे रहा है, इस बिटरेट को दोस्तों आपको हमेशा हाई पर ही रखना है।
इसे आप दोस्तों इतने तक मात्रा की गया, यहाँ पर आपको FBPS दिखाई देगा कि कितनी FBPS में आपका जो वीडियो यहाँ पर एक्सपोर्ट हो रही है। तो हमेशा दोस्तों आपको क्या करना है, ये जो आपको बिटरेट दिखाई दे रहा है इसे हाई रखना है, और हाई रखने के बाद आपको क्लिक करना है एक्सपोर्ट वाले ऑप्शन के ऊपर। तो आपका वीडियो बिल्कुल HD क्वालिटी में एक्सपोर्ट होगा, आपकी वीडियो का जो क्वालिटी है वो बिल्कुल भी रिड्यूस नहीं होगा, आपकी वीडियो क्वालिटी बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। दोस्तों मैं जिस प्रोसेस बताया है उसी प्रोसेस से दोस्तों आप एक बार अपनी वीडियो को एक्सपोर्ट करके देखिएगा। तो इस तरीके से आप दोस्तों कोई भी वीडियोस को एडिट करने के बाद उसको फुल HD क्वालिटी में अपनी गैलरी के अंदर सेव कर सकते हो। ये सिंपल सा प्रोसेस है, लेकिन दोस्तों बहुत सारे लोगों को दिक्कत आ जाती है वीडियो एक्सपोर्ट करते वक्त, उनका जो क्वालिटी वो रिड्यूस हो जाता है। तो दोस्तों इसका सोल्यूशन यही है जो कि मैंने आपको बताया है, इसी स्टेप को फॉलो करके आप अपने वीडियोस को एक्सपोर्ट कीजिएगा काइनमास्टर के अंदर। वीडियोस एडिटिंग करने के बाद तो आपका वीडियो क्वालिटी जैसा है वैसे ही रहेगा, कभी भी रिड्यूस नहीं होगा। तो बस दोस्तों ये था आज का वीडियो, उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको अपनी सोल्यूशन मिल चुका है। तो इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड कर लेता हूँ। थैंक यू सो मच आज की इस वीडियो को पूरा कम्प्लीट देखने के लिए।